नमस्कार दोस्तों, बोल बरेली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दूरदर्शन के टीवी सीरियल 1986 में प्रसारित, जिसका नाम था राग दरबारी। जी हाँ, सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों, आज बात होगी दूरदर्शन के टीवी सीरियल राग दरबारी की। बहुत सारे लोग इसके बारे में ढूंढते रहते हैं लेकिन दूरदर्शन पर कहीं उपलब्ध नहीं है। तो मैंने इस सीरियल को कुछ एक कड़ी देखी थी, तो मैं उसकी यादें आपके साथ ताज़ा करूँगा। राग दरबारी जो था, दूरदर्शन ने 1986 1986 में दूरदर्शन ने इसे टेलीकास्ट करा था। और इस दूरदर्शन ने जब इसे टेलीकास्ट करा था तो उस समय तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन बाद में दूरदर्शन ने अनप्लान वे में इसे दोबारा रीशेड्यूल करके कुछ एपिसोड टेलीकास्ट करे थे, तो मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राग दरबारी जो है वो श्रीलाल शुक्ल जी की एक व्यंग रचना है, जो कि 1968 में प्रकाशित हुई थी और इसके लिए 1970 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इस धारावाहिक में बेसिकली इस उपन्यास के ऊपर ही दिखाया गया है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में ग्रामीण जीवन का क्या परिदृश्य है, किस तरीके से लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वही इसमें बताया गया है। एक गांव है शिपालगंज, उसकी कहानी दिखाई गई है। काल्पनिक गांव है जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता है, किस तरीके से जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। बहुत सारे पात्र इसमें रखे गए हैं। तीन बेसिकली इसमें मेन कैरेक्टर मेन थे। एक मनोहर सिंह जी ने मेन कैरेक्टर प्ले करा था और उनके दो बेटे जो थे ओमपुरी, और दूसरे बेटे का कैरेक्टर आलोकनाथ जी ने प्ले करा था। बहुत यंग एज में इन्होंने ये कैरेक्टर प्ले करा था। वैद्य जी, रूपन बाबू, बद्री अग्रवाल, प्रिंसिपल रंगनाथ, छोटा पहलवान और सनीचर। सनीचर के ऊपर सबसे ज़्यादा लोग हंसते थे और लंगर, ये इस सीरियल के मेन पिलर थे। इस टीवी सीरियल में एक दो एपिसोड जो मैंने देखे थे वो मैं याद करके आपको बताता हूँ। हाँ, तो जो एपिसोड मैंने देखे थे उसमें गांव में पंचायत का एक चुनाव सा होता है, तो उसमें जो है सनीचर को जिताया जाता है। किस तरीके से जो है बैजी जो होते हैं पूरे गांव के मास्टरमाइंड होते हैं, किस तरीके से पूरे गांव के लोगों के ऊपर कब्जा करके रखते हैं, उनके पूरे दिमाग के साथ खेलते हैं। और बैजी का जो बेटा होता है ओमपुरी, 10वीं फेल होता है रूपन, और छोटा बेटा बद्री अग्रवाल जो कि आलोकनाथ ने भूमिका निभाई थी, तो ये दोनों बेटे भी उनकी सहायता में लगे रहते हैं। पढ़ने लिखने में तो बेकार होते हैं लेकिन गांव वालों को किस तरीके से कंट्रोल करा जाए, बेकार उन्हें निठल्ला बनाया जाए, गरीबी हटाओ के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना के उन्हें निठल्ला बना दिया जाए, यही इस राग दरबारी की श्रीलाल शुक्ल जी के मेन इस धारावाहिक की मेन थीम थी। और इस टीवी सीरियल को बहुत सारी पॉपुलरिटी मिली थी दूरदर्शन पर। लगभग उस ज़माने में लगभग 3 करोड़ लोगों ने इस टीवी सीरियल को देखा था। और 1986 में दूरदर्शन पर टीवी सीरियल बहुत प्रसिद्ध हुआ था। आगे भी मैं आपको ऐसी जानकारी देता रहूँगा, तो राग दरबारी टीवी सीरियल के बारे में जो भी आपकी कमेंट है उसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ बोल बरेली में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, और कोई बात हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद।